पत्थर गिरा और पूरी की पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। गुड मॉर्निंग गाइज, आज मैं हूँ सोनमार्ग में और आज सोनमार्ग में दूसरा दिन है हमारा। यहाँ पे दूसरा दिन होने का रीज़न ये है कि पहले दिन तो हम कैंप में रहे थे और दूसरे दिन होटल में आ गए। इसलिए आए होटल में क्योंकि बहुत तेज़ आंधी यहाँ पे आ रही थी और बारिश हो रही थी, तो जो कैंप था वो ऑलमोस्ट फटने वाला था, इतना तेज़ हवा था। यहाँ पे जितने भी कैंप लगे हुए थे आसपास में वो सब खोल खाल के बंद करके वो निकल चुके थे। तो लास्ट में हम भी सोचे कि अब निकलना ही पड़ेगा और काफ़ी सामान भीग भी चुका था, तो भीगने के कारण फिर हम होटल में आए और होटल में अभी स्टे कर रहे हैं। और अब हम यहाँ से निकलेंगे, आगे हम निकलेंगे द्रास के लिए, द्रास के बाद कारगिल के लिए। जैसा कि आपको पता है, मुझे ये नहीं पता होता है कि मुझे आगे रुकना कहाँ है, मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं बना रखा है। जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं शाम तक हम वहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद हम वहीं कहीं आसपास में अगर कोई सिटी है, कोई ऐसा जगह है जहाँ टेंट लगा सकते हैं, तो हम वहाँ पर रुक के पूरा रात हम स्टे करते हैं एंड देन हम फिर वहाँ से निकलते हैं। तो आज फ़िलहाल यहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट कपड़े हम सुखा रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं और सूखने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। इंतज़ार कर रहे हैं कि सूख जाए। वैसे यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड है तो बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब जो मैंने यहाँ पे कपड़े रखे ना उससे भाप निकल रही है, इतना ज़्यादा धूप है यहाँ पे। जब हम सोनमर्ग में आए थे तो रात हो चुका था, काफ़ी रात तो नहीं हो चुका था लेकिन 9 बज चुके थे, इसी वजह से हमने टेंट लगाया और कुछ खास वीडियो नहीं बना पाए। और रात को हम वहीं पे बॉनफायर कर रहे थे और जो मेरे साथ मनोज है वो चिकन सेक रहा था एक दूसरे भाई के साथ। तो रात को काफ़ी ठंड लग रही थी इधर, इसीलिए ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पाए और नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या क्या वीडियो बना सकते हैं हम। यहाँ पे होटल का प्राइस अभी ज़्यादा नहीं है, मैंने जो होटल लिया है वो 900 बता रहे थे लेकिन 600 में उन्होंने दिया है। एक्चुअली अभी टूरिस्ट नहीं है, बहुत कम है कोविड के वजह से, इसीलिए नहीं तो टूरिस्ट अगर फुल होता तो शायद 1500 में भी इस जगह पे रूम मिलना मुश्किल था। आज का हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, ये चाय है और ये है कश्मीरी रोटी, और चाय के साथ यहाँ पे कश्मीरी रोटी फेमस है तो हमने कश्मीरी रोटी लाया और टेस्ट करते हैं ये कैसा है। होटल रूम के बाहर से यहाँ का ये व्यू है और यहाँ पे ही कैंपिंग होती है। आर्मी ने पूरा रास्ता बंद कर रखा है आगे से, पीछे से जा सकते हैं वो भी ओनली जो टूरिस्टर हैं या फिर जो ट्रांसपोर्ट है वही अलाउड है। ये है मेन एंट्री गेट जो कि अभी पूरा बंद है और अभी 12 बजे का टाइम है, पूरा बंद करवा दिया है पुलिस ने यहाँ पे हर एक चीज़। अभी हम टूरिस्टर हैं यहाँ पर तो देखते हैं हमारे लिए अलाउ है बाहर जाना या नहीं जाना, अभी बात करते हैं यहाँ के ऑनर से। थैंक यू भाई। इस साइड एक्चुअली इधर का रास्ता बंद है तो हम लोग नीचे से जा रहे हैं क्योंकि आगे से नहीं जा सकते, फ्रंट साइड बिल्कुल बंद है तो हम नीचे और पीछे के रास्ते से जा रहे हैं, अंडरग्राउंड के रास्ते से। सो इधर का ये रास्ता है, अब हम इधर से जाएंगे क्योंकि इधर पुलिस ने पूरा बंद करवा रखा है सब कुछ। ये रास्ता सिर्फ पीछे का ही नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस है और नहीं पहले मैं ही उतरूंगा तो ये है फुल एडवेंचर, तो अभी यहाँ से उतरना है बहुत मुश्किल है लेकिन ट्राई करते हैं। भाई सीढ़ी तो बढ़िया लगवा लिया होता ओ जीसस। आने दो, कुछ सामान दे दो, कुछ सामान दे दो, नीचे ले आऊंगा। आप भी बल्कि ये भी नीचे आ जाते हैं, ये बीच में खड़े होंगे, आप नीचे पकड़ते रहना। अच्छा हाँ ये बेस्ट रहेगा। चलो ठीक है आ जाओ। बढ़िया से बढ़िया से आओ, फोन ले लो। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। सोनमार्ग में, सोनमार्ग पता नहीं, सोनमार्ग ऐसे ही बोलते हैं। बैग उठा के इतना सारा सामान लेके थक गए हम।
अब हम लोग रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए सोनमर्ग से। यहाँ पे पूरा लॉकडाउन हो चुका है। ये लॉकडाउन नहीं है, ये इमरजेंसी लॉकडाउन है, जो हर एक चीज़ को यहाँ पे शट डाउन करा दिया गया है और कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है यहाँ पे। सिर्फ टूरिस्टर को अलाउड है इधर आने जाने के लिए और इधर के जितने भी ट्रांसपोर्ट है बस वही। अभी हमें जोजिला पास 0 पॉइंट पर, और ये है उसका बोर्ड, और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, जहाँ देखो वहाँ बर्फ ही बर्फ हर वक्त। यहाँ पे ऐसा ही बर्फ का पहाड़ रहता है और इससे पानी निकलती रहती है। यही ग्लेशियर्स हैं जो पिघल के नीचे पानी जाती हैं। जोजिला पास के आसपास का रोड बहुत ही डेंजरस रोड है, और सही बताऊं तो एडवेंचर का मज़ा जरूरी है जब डेंजर होता है। एडवेंचर लाइफ जीने के लिए ऐसे लाइफ जीने के लिए अभी हम यहाँ पे लेह लद्दाख के बॉर्डर पे हैं, और श्रीनगर सोनमार्ग से आते वक्त यहाँ पे RT-PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक RT-PCR टेस्ट आपके पास ना हो तो यहाँ पे ना आए। RT-PCR टेस्ट के बिना आप इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और वो भी 96 आवर्स के पहले होना चाहिए वो कोविड टेस्ट, उसके बाद ही होगा। और मैं बता दूँ कि यहाँ पे लेह लद्दाख के बॉर्डर पे या यहाँ के आसपास करीब 50 किलोमीटर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, तो उसके लिए सोनमर्ग ही वापस जाना पड़ता है अगर श्रीनगर के तरफ से अगर आप लोग आ रहे हैं तो उसके लिए आपको ये पूरा टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद ही यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर नहीं कर सकते हैं। अभी हम भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, और अब हम सोच रहे हैं कि सोनमर्ग जाएं और वहाँ से RT-PCR टेस्ट करा के उसके बाद वापस आएं, अदरवाइज यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है जाने के लिए।